दिल्ली चलेंगे आपको पंजाब के आनंदपुर साहिब, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगली सरकार बीजेपी की बनाइए और बीजेपी की सरकार पंजाब में बनाइए और जितने बुलडोजर चाहिए मैं यूपी से भेज देता हूं, हमारे पास उसकी विशेषज्ञता है। आप देखना बीजेपी की सरकार बनते ही, बहनों और भाइयों मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बीजेपी की सरकार बनते ही अगले 48 घंटे के अंदर ड्रग माफिया, सैंड माफिया, कैटिल माफिया और भू माफिया की कमर तोड़ करके यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों के मकान वहां पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसीलिए मैं आपसे मीट करने के लिए आया हूं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नाम ही आम आदमी नाम रखा है इसने। मैंने अपने जीवन में इतनी झूठ बोलने वाली पार्टी देखी ही नहीं, यानी जो कहती थी डंके की चोट पे घोषणा करती थी कि हम ईमानदार पार्टी है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप में जिसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके एक दर्जन से ज्यादा नेता जेल में है या बेल पर है। और अब कांग्रेस के समय में भी रिमोट से सरकार चलती है, ये तो हमने सुना था। पंजाब के अंदर तो जेल से सरकार चल रही है, ये भी हम देख रहे हैं। ये पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन का मैनिफेस्टो क्या कहता है? कहता है सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद गरीबी हटाएंगे। कैसे गरीबी हटाएंगे? तो उन्होंने कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और सर्वे करा करके उनके फादर, ग्रैंडफादर, उनकी मदर, उनकी ग्रैंडमदर ने जो संपत्ति उनको दी है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा वरासत टैक्स के रूप में लेकर के और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों को बांट देंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप अपनी संपत्ति में से इनको इस प्रकार से डकैती डालने की छूट देंगे? क्या इस प्रकार की डकैती डालने की छूट देगा क्या हमारा पंजाब? बहनों और भाइयों, ये वरासत टैक्स नहीं, ये औरंगजेब का जजिया कर है। जजिया कर औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह हुआ था। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था। और उसका बाप शाहजहां लिखता है कि कंबख्त औरंगजेब, तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा ना हो, तू जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है और तुझसे अच्छे तो यह हिंदू है जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद वर्ष में एक बार श्राद्ध और तर्पण करके पितरों को तर्पण देकर के जल देने का काम करता है। औरंगजेब ने हिंदू और सिखों पर एक कर लगाया था, इसका नाम था जजिया कर। वह कहता था या तो एक कर दो, टैक्स दो और नहीं तो मुसलमान बनो। बहनों और भाइयों, औरंगजेब को जवाब दिया था गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने, जिन्होंने सनातन की ढाल बन करके औरंगजेब को जवाब दिया था और बलिदान हो गए थे। ये पंजाब की धरती इन क्रूर मुगलों का आतंक रोकने के लिए पूरी प्रयास की थी, पूरी कोशिश की थी और इनको विफल भी किया था। और आज औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो के माध्यम से घुस गई है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें औरंगजेब को दोबारा जीवित नहीं होने देना है। औरंगजेब को क्या जीवित होने देंगे? क्या कतई नहीं जीवित होने देना है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए,
भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई आपसे कहने के लिए, देश की जो आवाज है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूं बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव में मुझे 15 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हम लोग गए, एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है कि फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार 400 पार के नारे से आम आदमी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि 400 सीटों पे लड़ी नहीं सकती है। वह पूछती है 400 सीट कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा। और हमारे मोदी जी तो परम राम भक्त हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, पंजाब सहमत है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, आपका एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर सुभाष शर्मा को जो जाएगा, यह सीधे मोदी जी की ताकत को बढ़ाएगा। और मोदी जी अभी तो, मोदी जी ने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण किया है, और अगली बार हम अयोध्या और काशी के बाद हम मथुरा की तरफ रुख करने वाले हैं। आपकी सहमत है ना, आपकी सहमत है, सुभाष शर्मा जीत के जाएंगे सभी लोग मजबूती के साथ, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।